शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाई प्रोफाइल महिला ठग प्रीति दास के खिलाफ दो थानों में एफआईआर होने के बाद शनिवार को पूरे सिटी में व्हाइट कॉलर समाज सेवकों में हड़कंप मच गया। विशेष रूप से ऐसे लोग जो समाज सेवा की आड़ में सरकारी दफ्तरों में धन उगाही में लगे रहते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। इधर प्रीति के खोज के लिए पुलिस ने कई जगह तलाशी ली, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस विभाग में प्रीति के दबदबे का अलग ही आलम था और उसका चुटकी बजाकर सबसे चर्चित डायलॉग यह था कि 33 थाने के 66 पीआई मेरे जेब में है, मैं चाहूं उसका गेम कर सकती हूं। प्रीति के रैकेट का पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय द्वारा पर्दाफाश किए जाने के बाद पुलिस विभाग में कई अफसरों को पसीना छूट गया, विशेष रूप से ऐसे अफसरों को जो प्रीति से काफी नजदीकी रखते थे। क्राइम ब्रांच का एक पीआई, पश्चिम नागपुर के जोन 2 का एक सीनियर पीआई, दक्षिण नागपुर के जोन 4 का एक सेकंड पीआई भी शामिल है। इनके अलावा उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले कई छोटे बड़े अधिकारी भी हैं। कई अधिकारियों के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। यहां तक कि कुछ इंस्पेक्टरों का थानों में जन्मदिन मनाने के वीडियो भी उसने सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। शनिवार को ऐसे अफसर इसी जुगाड़ में लगे रहे कि सोशल मीडिया पर जो भी तस्वीरें हैं वह किस तरह से हट जाए, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बरकरार है। कुछ दिन पहले सुनील पौनीकर, इसने जहर लेके आत्महत्या किया था, उसने अपनी एक सुसाइड नोट भी लिख के रखा था। और जब हमने उसकी इंक्वायरी किया तो पता चला कि उसने सतीश सोनकुसरे के पास से कुछ पैसे लिया था और वो मंगेश पौनीकर को देता था मृतक। तो जो पैसे थे 5.5 लाख के करीब करीब अमाउंट थी, वो पैसे वापस मांग रहा था, तो इसको कोई थोड़े से डैमेजेस आ गए थे मृतक को, इसलिए वो पैसे दे नहीं पाया। इसलिए प्रीति दास और सतीश सोनकुसरे, इन्होंने उनके घर में जाके बार बार उनको उकसाया था, गाली गलौज किया था, गंदी गंदी भाषा भी इस्तेमाल किया था। इसी वजह से सुनील पौनीकर ने सुसाइड किया। ये हमारे तपास में निष्पन्न होने की वजह से सतीश सोनकुसरे, प्रीति दास और मंगेश पौनीकर, इनके खिलाफ हमने आत्महत्या को प्रवृत्त करना इसलिए कलम 336 का गुना दाखिल किया है। बाकी बारे में मालूम नहीं, लेकिन प्रीति दास के खिलाफ एक दो दिन पहले ही एक 420 का गुना दाखिल हुआ पाचपावली में, और उसके खिलाफ इसके पहले भी बर्डी में या भंडारा में भी ऐसी चीटिंग के या बाकी भी मामले दर्ज होने की माहिती मिली है। आरोपी के जारी है, आरोपी हम जल्दी हिरासत में लेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।